सुप्रभात, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो कि सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और एक बार फिर से स्वागत है आपका कविता बड़वाल यूट्यूब चैनल में। और आज संडे है, संडे के दिन हम बनाएंगे पहाड़ी स्पेशल कुछ नाश्ता। तो मैं अब कर रही हूँ, आज का दिन का शुरुआत मेरा हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ पहाड़ी स्पेशल नाश्ता जो कि लक को बहुत पसंद। हेलो 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 तो हेलो इसके हेलो। लिए बनाएंगे हम आज संडे स्पेशल नाश्ता, तो बने रहे मेरे वीडियो में। क्या बनाते हैं हम संडे स्पेशल नाश्ता? प्याज टमाटर तो हम पहले से फ्राई करेंगे, ठीक है? ऑयल डाल दियो। कम ही ऑयल डालेंगे, ज्यादा नहीं डालते, 2 चम्मच, ठीक है? तो अब प्याज टमाटर काटते हैं। घुघुते गुरौण लगी मेरा मैत की, बड़ी बड़ी एगेरी तूरी तू चैत की, ओरी तूरी तू चैत। और आप भी जरूर एक बार ट्राई कीजिए दोस्तों, देख कितना ही अम्मी लग रहा है ना पहाड़ी पास्ता। बाजार के पास्ता तो हर कोई खा लेता है ना दोस्तों, तो एक बार पहाड़ी पास्ता भी खा के देखिए आप। और संडे के दिन बनाइए जिस दिन बच्चे घर पे रहे, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं ऐसे चीज़ों को। तो ना मैदा ना सोडा ना कुछ, सिर्फ हमें आटा से बनाया है ऐसे सुंदर टेस्टी पास्ता। और कैसे बनाते हैं ये आपको मैं बता रही हूँ, और अगले वीडियो मैंने डाल भी रखा है, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। और अब हम इसमें डालेंगे फ़ौरन आड़ी जीरा, ठीक है? पहाड़ी जीरा और फ़ौरन, ठीक है? फ़ौरन ये पहाड़ी जीरा है, पहाड़ी जीरा ऐड कर दो। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाजार वाला जीरा भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? लेमड़ी में सॉस भी डाल दे, तो ये हल्का ब्राउन होगा। फ़ौरन फ़ौरन डालें,
ये फ्राई हो चुका है मेरा, और अब मैं इसमें डाल दूँ धनिया ऊपर से गार्निश करूँगी। ठीक है, बारीक करके धनिया गार्निश करूँगी। ओके, और आप गरम पास्ता तैयार है। देखिए इस तरह का इसका फाइनल लुक। और ये लाके को ना बहुत पसंद है, जब भी संडे होता ना तो मैं इसके लिए बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना ऐसी चीज़ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बाजार से नहीं लाती हूँ, मैं घर पे ही बनाती हूँ आटा से। और इसमें हम सॉस डालेंगे इसके लिए। कितना अच्छा लग रहा है ना, इस तरह का यहाँ का लोकेशन ही है आजकल, हरी भरी। तो दोस्तों मैं भी करती हूँ नाश्ता। तो फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है, और यहाँ पे लक बजा रहा है पियानो, और उसे पियानो का बहुत शौक है पहले से ही, और अब बजा रहा है वो। आज लक्की संडे एंजॉय कर रहा है, और हफ्ते में लक्की को संडे का ही दिन एंजॉय के लिए होता है, और दिन तो सारा स्कूल, और संडे के दिन लक्की करता है फुल एंजॉय अपने साथ पियानो। और बाहर का मौसम कुछ इस तरह का है, अभी धूप लगी है अच्छी वाली। हाँ जी, सुनसान और केदार घाटी, और मंदाकिनी नदी जा रही है। मंदाकिनी नदी है यहाँ पे, केदारनाथ से होते हुए आती है नदी ये वाली। और देखिए आगे केले काली शिला पर्वत दिख रहा है, आगे जो दिख रहा है काली शिला। ये ना पालक मैंने धो धा के ना इसमें डाल दिया था। ठीक है, मैं धो के और इसे मैंने 5-10 मिनट बॉयल किया। ठीक है, देखने इस तरह पीस लिया है, क्योंकि ये तो मैंने ऑलरेडी बॉयल किया था, तो बॉयल किया तो ज़्यादा पीसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पिसा पुसा था। फिर भी मैंने कहा थोड़ा बहुत अगर अच्छा साग बनाना है पालक का तो पीस लेती हूँ, तो मैंने इसे पीस लिया। या तो मैंने काट दिया है, और काट के डालने में बड़े बड़े काटे मैंने, प्याज अदरक लहसुन और टमाटर। ठीक है, इसे मैं डाली मैं मिक्सी जार में, और इसे मैं पीस लूँगी। ठीक है, अच्छे तरीके से अदरक भी मैंने बारीक करके पीस लिया है। ये देखिए, और इसको भी मैंने गर्म हो गया, ब्राउन गैस बनाया कम, और ये पीस करना प्याज और उसका गिरा और गैस ऑफ ज़्यादा करना है, प्याज अदरक पीस करना वो मैंने ऐड कर दिया है।
और आप देखो मैंने ज्यादा फुल कर दिया मतलब, और इस तरह ये प्याज टमाटर को भी अच्छी तरह इसमें हल्का कर लेंगे, हल्का ब्राउन होने का जैसा कि हल्का फ्राई हुआ। पाउडर और मसाले के पाउडर के मैंने पाउडर ऐड करेंगे हल्का सा, और ये उतना फ्राई और और अब इसमें है जो हमने साग बनाया था, 5-10 मिनट की पकाना है, आपका जो पालक पनीर है वो बन के तैयार हो जाएगा। और मैंने अगर स्वाद बनाए बहुत ही लाजवाब होता है धनिया का, तो इसे मिक्स करना है, ठीक है, मिक्स कर लिया है मैंने। और अब मैं इसे पकाऊंगी 5-10 मिनट की, जो पका तो वैसे ही मसाला स्वादिष्ट पालक पनीर हमारा बन गया तैयार है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे ये पालक पनीर तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट, और धनिया की क्या खुशबू आ रही है, इसके ऊपर मैं धनिया गार्निश किया है। मुझे तो आज का डिनर हमारा हो चुका है, बहुत ही स्वादिष्ट आज का जो पालक पनीर बना अच्छे मतलब बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट बना। आप भी जरूर ट्राई कीजिए इस तरह का पालक पनीर। और खा लिया हमने, अभी बज रहे 8:30, और मैंने कहा था ना पहाड़ों में जल्दी खा लिया, तो हमने खा पी लिया। और अब करना है मुझे काम, गैस वगैरह साफ करूँगी, बर्तन वगैरह मांजूंगी। और आप सभी को शुभ रात्रि, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं कविता बड़वाल मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। जय देव भूमि उत्तराखंड।